साइकिल से भारत दर्शन के लिए निकला बिहार के सुपौल जिले का अजीत। साइकिल यात्रा पर निकला अजीत 10,000 किलोमीटर से अधिक देश के 25 राज्यों की करेंगे यात्रा। भारत दर्शन और भारत ज्योतिर्लिंग के साथ साथ चार धामों का साइकिल यात्रा करेंगे अजीत। बीरपुर के लोगों ने साइकिल यात्रा पर निकला अजीत का किया शानदार स्वागत। सुपौल जिले के एक युवा अजीत चौधरी उर्फ बंजारा अजीत ने साइकिल के द्वारा 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी करने की ठान ली है। सुपौल जिले के बीरपुर हटिया चौक से प्रारंभ किया गए इस यात्रा में बंजारा अजीत 25 राज्यों से गुजरेंगे। 8 महीनों की लंबी यात्रा के दौरान वह 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा भी पूरी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बंजारा अजीत ने बताया कि आज पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमत आम आदमी को संकट में डाले हुए है। साइकिल की कम दूरी के आवागमन का एक बेहतर साधन है जिसके अनगिनत फायदे हैं। एक तो पेट्रोलियम जैसे महंगे पदार्थ की खरीद नहीं करनी पड़ती है, तो वही दूसरी ओर शरीर भी स्वस्थ रहता है और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाता है। अजीत का मानना था कि छोटी दूरी के लिए आम लोगों को अपने जीवन में साइकिल की महत्ता पर ध्यान देना चाहिए। सर, इसका मकसद सबसे पहला बात है कि जिस तरह अभी पॉल्यूशन देख रहे हैं हम, पर्यावरण और कैसे दूषित हो रहा है, तो उसी हिसाब से और पेट्रोलियम हमारे देश में है नहीं तो हम बाहर से लाते हैं, जिसके कारण कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि पेट्रोलियम का दाम ऊपर नीचे होते रहता है, जिससे हमारे खुद के मतलब इनकम पे ही डिपेंड होता है। तो इसके कारण हम साइकिल से साइकिल यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इससे हम खुद को फिट रख सकते हैं और पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं और अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह चाइना में लोग ज़्यादातर साइकिलिंग का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ के मतलब लोग जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं और उनके इनकम आर्थिक इनकम जो है मजबूत रहती है और पोल्यूशन भी कम रहता है। तो उसी मकसद को लेकर मैं भारत की 25 राज्यों की यात्रा पर निकला हूँ साइकिल यात्रा। बीरपुर के नवनिर्वाचित चेयरमैन सुशील कुमार ने झंडी दिखाकर बंजारा अजीत को बेहतर संदेश के साथ इस लंबी यात्रा के लिए विदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीरपुर की धरती आज महान धरती हो गई। आज अजीत जी ने जो काम किया है, इनके माता पिता को धन्यवाद, इनके स्वर्गीय दादा दादी जी जिनकी प्रेरणा से इन्होंने इस काम को शुरू किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीरपुर की जनता बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। इनका जो मिशन है, इनका मिशन है कि मैं पूरे देश को पर्यावरण में शुद्धि दिलाऊं, पर्यावरण मेरा शुद्ध रहे, पेट्रोल डीजल से लोगों को मुक्ति मिले। हम जो विदेश पर आधारित रहते हैं कि पेट्रोल डीजल के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसको ठीक किया जाएगा अगर हम साइकिल चलेंगे तो। एकमात्र साइकिल से चलने से पूरे देश का आर्थिक और पर्यावरण दोनों सुधार होगा, इसलिए इनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है।